दी अल्केमिस्ट बेन जॉनसन का लिखा हुआ एक ड्रामा है जिसमें काफ़ी सारे लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बेवकूफ़ बन जाते हैं। लविट नाम का एक आदमी है, उसके घर के कमरे से ये ड्रामा शुरू होता है। लविट अपना घर छोड़कर जा चुका है क्योंकि इंग्लैंड में प्लेग काफ़ी फैला हुआ था। वो अपने घर का चार्ज अपने बटलर जेरेमी को दे देता है। जेरेमी सोचता है कि उन्हें इस घर का इस्तेमाल करके कुछ पैसे कमाए जाएं। वो अपने साथ दो फ्रॉडियों को मिला लेता है जिसमें एक शख्स सर्टल जो अपने आप को अल्केमिस्ट कहता है। वो कहता है कि मैं मेटल गोल्ड में बदल सकता हूँ और फिलोसफर स्टोन की मदद से बीमारियों का इलाज कर सकता हूँ। दूसरा कैरेक्टर डॉल का, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है लेकिन यहाँ पर एक रिस्पेक्टेबल वुमेन और अल्केमिस्ट की हेल्पर बनी हुई होती है। जबकि जेरेमी बटलर वो कहीं से एक कैप्टन का यूनिफॉर्म ले आता है और ख़ुद को कैप्टन फेस जाहिर करता है। सर्टल घर के एक कमरे में लेबॉरेटरी बना लेता है जिसमें बहुत सारे फ्लास्क, कप्स और दूसरा मटेरियल होता है। वो अपने क्लाइंट्स को ये दिखाने की कोशिश कर रहा होता है जैसे वो कोई बहुत अहम स्टोन बना रहा है। जेरेमी की जिम्मेदारी होती है कि वो क्लाइंट्स को लेकर आएगा जिसे ये तीनों मिलकर लूटेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिवाइड करेंगे। लेकिन जल्द ही सर्टल और फेस में झगड़ा हो जाता है क्योंकि ये दोनों ही अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर तसव्वुर कर रहे होते हैं। डॉल मुदाखलत करती है कि हम तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं और मिलजुल कर काम करना चाहिए। बेल बजती है और पहला क्लाइंट डेपर आता है। डेपर एक वकील का क्लर्क है। उसकी मुलाकात एक जुए खाने में फेस से हुई थी जहाँ फेस ने उसको बताया कि अल्केमिस्ट उसकी मदद कर सकता है क्योंकि डेपर चाहता था कि वो किसी तरह घोड़ों की रेस में पैसा लगाए और बहुत सारा पैसा जीते। डेपर आता है और कुछ देर बाद कहता है कि वो हर तरह की गैम्बलिंग में पैसा जीतना चाहता है। सर्टल पहले तो एक ड्रामा करता है कि किसी स्पिरिट को बुलाना गैर कानूनी है, लेकिन फेस जोर देता है कि तुम्हें डेपर की मदद करनी पड़ेगी। सर्टल कुछ देर बाद डेपर की मदद के लिए एग्री हो जाता है। फेस डेपर को कहता है कि वो कुछ फीस दे दे। फेस डेपर से कुछ फीस ले लेता है। इसके बाद सर्टल डेपर को कहता है कि मैं हर तरह का ख़तरा मोल लूँगा लेकिन तुम्हारी मदद करूँगा। सर्टल डेपर को कोई ना फेरीज का रिश्तेदार बना देता है और उसको बहुत सारी झूठी तसल्लियाँ देता है। इसके बाद दरवाजे पर एक और विजिटर आता है तो ये जल्दी जल्दी डेपर को रवाना कर देते हैं। डेपर को कहते हैं कि तुम अपने नाक, कान और मुंह में वेनेगर के कुछ ड्रॉप्स डालो, इससे तुम्हारे सेंसेस तेज़ होंगे और कुछ घंटों बाद वापस आना। इसके बाद ड्रगर, जो कि एक टोबैको शॉप खोलना चाहता है, वो अल्केमिस्ट से पूछता है कि वो शॉप में दरवाज़ा और शेल्फ कहाँ बनाए। सर्टल जब ड्रगर को देखता है तो उसे बताता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि मैं इंसान की शक्ल देखकर उसकी किस्मत बता देता हूँ। ड्रगर भी इसकी बातों में आ जाता है। सर्टल ड्रगर को कहता है कि अपनी शॉप में एक मैग्नेट रखो, इससे कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। फेस ड्रगर से भी एक अच्छी रकम फीस के नाम पर वसूल लेता है। ड्रगर जाते हुए सर्टल से कहता है कि वो एक कैलेंडर में अनलक्की डेज को क्रॉस कर दे ताकि वो उस दिन कोई ट्रांजेक्शन ना करे। ये ड्रगर को भी मदद का यकीन दिलाकर उसे भेज देते हैं। इसके बाद मिस्टर मैमून अपने दोस्त सरली के साथ आता है। मैमून की डिमांड्स बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं कि ये बहुत महंगे कपड़े पहनना चाहता है, बहुत सारी शादियां करना चाहता है। सरली इन सब लोगों में कुछ मुनासिब और अक्लमंद आदमी होता है। मैमून उसको बताता है कि अगर यहाँ से मुझे फिलोसफर स्टोन मिल गया तो वो मेटल को गोल्ड में बदल देगा, 80 साल के आदमी को नौजवान बना देगा और वो सारी बीमारियों का इलाज कर देगा और 3 महीने में प्लेग को इस मुल्क से ख़त्म कर लेगा। सरली को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। इसके बाद सर्टल आता है तो मैमून उसे कहता है कि सरली को उस पर यकीन नहीं है। तो सर्टल कहता है कि कुछ देर में जब स्टोन तैयार हो जाएगा तो उससे भी यकीन आ जाएगा। फेस आता है और सर्टल को बताता है कि लैब में एक एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से ये प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाएगा। तो सर्टल कहता है कि मुझे तो सारा मटेरियल दोबारा मंगवाना पड़ेगा जिसके लिए 10 पाउंड दरकार होंगे। मैमून उसे 10 पाउंड दे देता है लेकिन सरली उसे कहता है कि तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर वो मैमून को कहते हैं कि आप दोपहर को आएँ और जितना भी मेटल या टिन ला सकते हैं साथ ले आएँ। सरली और मैमून में काफ़ी बहस शुरू हो जाती है। सरली कहता है कि ये सब झूठे हैं। इतने में डॉल दरवाजे पर आती है तो मैमून उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो फेस से इसके मुतालिक पूछता है। फेस कहता है कि ये एक लॉर्ड की बहन है और यहाँ पर इलाज के लिए आती है, इसे मैडनेस के दौरे पड़ते हैं। फिर फेस नौकर के बेस में आता है और सरली से कहता है कि कैप्टन फेस आपसे आधे घंटे बाद टेंपल में मिलेंगे। सरली भी फैसला करता है कि वो भेस बदल कर जाएगा और कैप्टन फेस से मिलेगा। इसके बाद एना बैप्टिस्ट आ जाते हैं। सर्टल उनसे भी स्टोन के लिए पैसे ले लेता है। जब और फीस मांगता है तो वो कहते हैं हम तुम्हें पहले ही 30 पाउंड दे चुके हैं। सर्टल कहता है कि अगर 1 घंटे में और पैसे ना दिए तो तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। ड्रगर आता है और कहता है कि एक जवान और अमीर विडो अपने भाई के साथ उसके टाउन में रहने आई है, वो उसके बारे में जानना चाहता है। फेस कहता है कि तुम दोनों बहन भाइयों को लेकर आओ, सर्टल उसे देख कर ही कुछ बता सकता है।
उसके जाने के बाद सेटल और फेस डिसाइड करते हैं कि दोनों बारी बारी कोशिश करेंगे, जिससे भी ये अमीर औरत शादी करना चाहेगी दूसरे को कोई एतराज़ नहीं होगा। और ये बात डॉल को नहीं बताएंगे क्योंकि वो एक औरत है और वो जेलिस हो सकती है। एना पेपरिस दोबारा आते हैं और सेटल फिर उन्हें कायल करने की कोशिश करता है। सेटल उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें 10 डॉलर बना कर दूंगा। इसके बाद वो 100 मार्क्स इनसे और ले लेता है। जेरेमी कैप्टन फेस के भेस में चढ़ जाता है, लेकिन सरली वहाँ स्पेनिश काउंट के भेस में आया होता है। सरली की उससे मुलाकात होती है। सरली उसे कहता है कि औरतें मेरी कमज़ोरी हैं और क्या वो मुझे किसी लड़की से मिलवा सकता है। तो फेस उसे कहता है कि तुम्हें सर्टल के ब्रोथल पे आना होगा। फिर वो आगे सर्टल को बताता है कि स्पेनिश काउंट उसे मिला है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं और हम डॉल का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डॉल को कहते हैं कि तुम तैयार रहो और जब स्पेनिश काउंट आएगा तो उससे पैसे निकलवाने हैं। अब सरली स्पेनिश काउंट के बेस में समझ चुका होता है कि ये कोई अल्केमिस्ट नहीं है, बल्कि सर्टल और फेस एक ब्रोथल चलाते हैं और डॉल एक प्रोस्टिट्यूट है। उसे डॉल पर पहले ही शक होता है कि ये एक प्रोस्टिट्यूट है। डेपर और कैस्ट्रिल आते हैं। फेस कैस्ट्रिल को कन्वेंस करता है कि वो अपनी बहन को लेकर आए ताकि सेटल उसकी किस्मत का भी हाल बताए। तो कैस्ट्रिल अपनी बहन को लेने चला जाता है, जिसके बाद डेपर को क्वीन ऑफ फेरी से मिलाने के बहाने उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर ये उसे दोबारा लूट लेते हैं। ये उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें क्वीन ऑफ फेरी से मिलना है तो तुम्हें अपने आप को सब चीज़ों से आज़ाद करना होगा, अपना पर्स फेंक दो, अपनी घड़ी फेंक दो, इस तरह करके ये उसे दोबारा लूट लेते हैं। डॉल आकर बताती है कि मेमून आया है। अब ये दोनों डैपर को टॉयलेट में बंद कर देते हैं और उससे कहते हैं कि 2 घंटे बाद कोई ना फेरी से मिलवाएंगे। मेमून का इंटरेस्ट अब स्टोन में कम और डॉल में ज़्यादा होता है। फेस मेमून की हालत देखते हुए उसे डॉल से मिलवा देता है। डॉल और मेमून सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं। कैस्टल अपनी विडो बहन के साथ आ जाता है। सर्टल कहता है कि उसकी बहन की किस्मत खुलने वाली है। फेस आकर सर्टल को बताता है कि स्पेनिश काउंट आया है। सर्टल कैस्टल को और उसकी बहन को लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है। अब सर्टल और फेस दोनों ही विडो से शादी करना चाह रहे होते हैं। सरली जो कि स्पेनिश काउंट के बेस में आता है और ये जाहिर करता है कि उसे इंग्लिश नहीं आती। अब ये दोनों सोचते हैं कि उसे किस औरत से मिलाएं। डॉल तो मेमून के साथ बिजी होती है। स्पेनिश काउंट कुछ देर बाद काफ़ी गुस्से में आ जाता है, तो फेस सर्टल को कहता है कि वो विडो को स्पेनिश काउंट के लिए राज़ी करे। इसी औरत से कुछ देर पहले तक ये दोनों शादी करना चाह रहे थे, मगर अब स्पेनिश काउंट के लिए उसे राज़ी कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद सेटल मान जाता है और वो विडो को कहता है कि अगर तुम स्पेनिश काउंट से मिलती हो तो वो तुमसे शादी कर लेगा और तुम्हें काउंटेस बना देगा। वो विडो कहती है कि मुझे तो स्पेनिश मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर ये उसके भाई को कहते हैं कैस्टल को कि अगर ये उससे शादी कर लेगी तो तुम भी माला माल हो जाओगे। तो कैस्टल भी उसे फोर्स करता है और वो मान जाती है। इसके बाद डॉल मैडनेस की एक्टिंग शुरू कर देती है और अलेक्जेंडर दी ग्रेट के ज़माने की बातें करना शुरू कर देती है। फेस आता है और पूछता है, तो मेमून कहता है कि इसे दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं। तो फेस कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अल्केमिस्ट आएगा तो बहुत नाराज़ होगा। इसके बाद लेबॉर्ट्री में एक धमाका होता है, तो सर्टल आता है और कहता है कि तुमने इस औरत के साथ ज़रूर कोई गुनाह किया है जिसकी वजह से मेरी लेबॉर्ट्री में सारा प्रोसीजर मेरा ख़राब हो गया स्टोन बनाने वाला। मेमून उसकी मिन्नत समाजत शुरू कर देता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद मेमून वहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों स्पेनिश काउंट से पैसा निकलवाने का सोचते हैं। स्पेनिश काउंट जो कि सरली होता है, वो कैस्टल की विडो बहन को सब कुछ सच सच बता देता है, उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। और सर्टल कमरे में आता है और स्पेनिश काउंट के जेब से पैसे निकालने की कोशिश करता है, तो बहुत गुस्से में आ जाता है, उसे धक्का देता है और उसे बताता है कि मैं सरली हूँ, तुम लोग धोखेबाज हो, मैं ये बातें सबको जाकर बताऊँगा। फेस जब ये सब कुछ देखता है तो वो कैस्टल को ले आता है। कैस्टल जो पहले ही लड़ाई की ट्रेनिंग ले रहा होता है, वो समझता है कि अभी अच्छा मौका है और वो आकर सरली से लड़ाई शुरू कर देता है। वो सरली को कहता है कि तुम धोखेबाज हो क्योंकि तुम स्पेनिश काउंट के पेस में आए हो और तुम आकर मेरी बहन को परेशान कर रहे हो। सरली घबराकर वहाँ से चला जाता है और कैस्टल सरली के पीछे चला जाता है। डॉल आकर बताती है कि लवविट आ गया है। लवविट क्योंकि बगैर बताया आया होता है, इसलिए लोग थोड़े पजल हो जाते हैं। फेस कहता है कि तुम लोग परेशान मत हो, मैं इसको एक आध दिन के लिए कहीं भेज दूंगा, हम अपना सामान पैक करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। लविड को उसके पड़ोसी बताते हैं कि उसके घर में बहुत सारे लोगों का आना जाना है। इसके बाद जर्मी आता है और मालिक को कहता है कि घर से थोड़े दूर खड़े हों क्योंकि ये घर प्लेग से इन्फेक्टेड है और काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है। सरली और मेमून भी आ जाते हैं और उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है। कैस्टल जर्मी को बटल के हुलिये में देख कर पहचान जाता है, लेकिन जर्मी की वही रट होती है कि घर काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है। इतने में घर के अंदर से डैपर के चीखने की आवाज़ आती है, जिसे ये क्वीन ऑफ फेरीज से मिलाने के बहाने टॉयलेट में बंद करके आए होते हैं। इसके बाद सर्टल की आवाज़ भी आती है जो डैपर को खामोश कराने की कोशिश कर रहा होता है। अब जेरेमी लविट के कान में कहता है कि वो सब कुछ सच बताने को तैयार है, बस इस हजूम से उसकी जान छुड़ाएं।
जेरमी अपने मालिक को सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि अगर लवविड उसे माफ़ कर दे तो उसकी शादी विडो से करवा सकता है। लवविड इसके लिए एग्री हो जाता है। सैटल और डॉल दोनों ट्रंक्स में सारा सामान भर कर तैयार हो चुके होते हैं। इतने में जेरमी आता है और उन्हें बताता है कि उसके मालिक ने उसे माफ़ कर दिया है और अब वो घर से कुछ नहीं ले जा सकते, वो सिर्फ उनकी भागने में मदद कर सकता है। सर्टल और डॉल पिछली दीवार कूद कर यहाँ से भाग जाते हैं। जेरमी एक स्पेनिश सूट में लवविड की शादी विडो से करवा देता है और वो विडो यही समझ रही होती है कि उसकी शादी के स्पेनिश काउंट से हो रही है। लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकॉन फॉर अपकमिंग वीडियोस। इट्स फ्री।